हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका, मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, बारिश हो रहा है, पकौड़े खाने का मन है। पकौड़े तो हमने कई तरह के बनाए, लेकिन आज बहुत ही अनोखा पकौड़ा बनने जा रहा है। वो है आलू का लच्छेदार पकौड़ा। इसे बनाना तो बहुत ही आसान है, पर खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। बच्चे बड़े बहुत पसंद करते हैं, तो इस बारिश में आप भी इस पकौड़े को बनाइए। अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। पकौड़ा बनाने के लिए हमें छीला हुआ आलू ले लेना है मीडियम साइज का, और एक ग्रेटर की मदद से पानी में इसे हमें ग्रेट कर देना है, क्योंकि अच्छे से लच्छा निकल पाए। तो यहाँ पे आप मोटा वाला भी ग्रेटर यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो बारीक वाला भी कीजिए। तो फटाफट हम इसे ग्रेट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने चार आलू को ग्रेट कर लिया है। हमने आलू को अच्छे से वाश कर लिया है पानी में, और इसे हम ऐसे मुट्ठी से प्रेस करते हुए निकाल लेंगे, यानी कि इसमें हमें पानी नहीं रखना है। इतना तक हम इसे प्रेस करेंगे और किसी दूसरे बॉल में हम ऐसे निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना फ्रेश फ्रेश अपना आलू लच्छा तैयार हुआ है। ऐसे ही हम सभी आलू निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं पानी से हमने आलू के लच्छे निकाल रखे हैं, लेकिन पानी में कितना स्टार्च है वो भी आप देख लीजिए। तो एक बार धोने से नहीं होगा, इसे हम एक से दो बार वाश करेंगे, जिससे अच्छे से स्टार्च निकल जाए और अपना पकौड़ा काफी क्रिस्पी कुरकुरा तैयार हो। तो चलिए हम एक बार और वाश करके आपको दिखाते हैं। हमने दूसरी बार भी अपने आलू के लच्छे को धो लिया है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये फ्रेश फ्रेश तैयार हुआ है। इसका पानी भी हमने निचोड़ लिया है, और आप स्टार्च देख लीजिए, दूसरी बार भी पानी में आपको ढेर सारा स्टार्च दिख रहा है। अब हम पानी को फेंक देंगे, बड़े बॉल में इसे ट्रांसफर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया अपना फ्रेश फ्रेश आलू तैयार हुआ है। इसमें ज्यादा पानी नहीं है, और जितना मॉइस्चर है उसी में हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करके आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले यूज करेंगे 2 चम्मच बेसन। बेसन के जगह पे कोई कोई मैदा भी डालता है, लेकिन बेसन हेल्दी होता है। साथ में हम डालेंगे 2 चम्मच चावल का आटा। तो इस चावल की आटा की रेसिपी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। जरूरत पड़ी तो हम बेसन और चावल थोड़ा सा और यूज कर लेंगे। साथ में हम डालेंगे 1 चम्मच अमचूर पाउडर, और स्वाद के अनुसार हम नमक डालेंगे। ये बिल्कुल बेसिक चीजों से बनके तैयार होता है, इसमें ज्यादा कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं होता है, पर होता है बहुत ही मजेदार। अब हम इसमें मिर्ची डालेंगे। तो ये लच्छा आलू है, तो हम लच्छेदार ही अपना मिर्च काटे हैं। चाहे तो आप कूट के या बारीक काट के भी डाल सकते हैं, और टेस्ट को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा हम फ्रेश धनिया पत्ता डाल रहे हैं। बस यही इंग्रेडिएंट्स है अपने पकौड़े का। अब हम इसको अच्छे से मैश करेंगे। तो हम चम्मच की मदद से पहले मैशेंगे, बाद में हम हाथ से मैश लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देखिए अपने आलू के लच्छे कितने दिख रहे थे। जब हम इसमें नमक डाले, बेसन और चावल का आटा डाले, तो इसकी क्वांटिटी कितनी कम हो गई है, और ये गीला भी हो गया है। हमें अलग से पानी डालने की जरूरत तो नहीं है। तो हम लच्छेदार पकौड़े में हल्दी और लाल मिर्च नहीं यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये अलग थोड़ा दिखना चाहिए। अब हम पकौड़ा डालेंगे कैसे, तो इसे हमें ऐसे गोल नहीं करना है, कोशिश करना है कि इसके लच्छे उभर के आए। हम ऐसे चिपटा चिपटा करके ही डालेंगे। आप चाहें तो फोक से डाल सकते हैं, चम्मच से डाल सकते हैं, या हाथ से डाल सकते हैं। तो चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे अपना तेल गर्म हो चुका है, और उसमें हम डालेंगे पकौड़े। तो छोटे छोटे पकौड़े फैले हुए ऐसे डालना है। अरे वाह, क्या खुल के आ रहा है अपना पकौड़ा। तो ऐसे ही आप एक बैच में जितना आ सके उतना पकौड़ा डालिए। चलिए हम एक बार इसे उलट के देख लेते हैं कैसी अपनी पकौड़ा तैयार हो रही है। तो हम धीरे धीरे पकौड़े को उलट लेंगे, बिल्कुल कड़ाड़ीदार तैयार हो रही है। हम ऐसे करेंगे तो ये अलग अलग हो जाएगा।
दूसरे साइड से भी हम करारा होने तक उल्टेंगे और पलटेंगे, पकाते रहेंगे। हमने 5-6 मिनट तक पकौड़े को तेल में फ्राई किया है। आप देखिए इसकी कलर आ चुकी है, दिखने में भी करारेदार और खूबसूरत लग रहा है। तो हम छन्नी में ऐसे टेढ़ा करते हुए निकाल लेंगे और एक्स्ट्रा तेल गिरा देंगे। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। तो आप सुन सकते हैं कितनी अच्छी आवाज आ रही है अपनी पकौड़े से, बिल्कुल करारेदार लग रहा है। तो अब हम दूसरा बैच फोक से डाल के आपको दिखा रहे हैं। तो ऐसे हम फोक में थोड़ा थोड़ा बेटर लेंगे और तेल में छोड़ते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा लेना है हमें और तेल में छोड़ते जाना है। तो फ्रेंड्स, हमने सभी पकौड़े बना लिए हैं। आप सुन सकते हैं अपनी करारेदार अपनी पकौड़ा तैयार हो गई है। इसकी गार्निशिंग के लिए हम थोड़ा सा मिर्च और कड़ी पत्ता भूनेंगे, तो वो भी आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हमने छड़नी में 8-10 हरी मिर्च और एक लच्छी कड़ी पत्ता को हमने धो के तोड़ लिया है। चलिए हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो इसी तेल में हम छड़नी के साथ ही देख सकते हैं कितनी बढ़िया अपनी हरी मिर्च फ्राई हुई है। तो ये पकौड़ा के साथ मिर्च बहुत पसंद करता है और देखने में भी अच्छा लगता है। तो अब हम इसे तेल से अलग कर लेंगे और पकौड़े के ऊपर डाल देंगे। अब हम इस मिर्च और कड़ी पत्ता को अपने पकौड़े के ऊपर डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इसकी लुकिंग आ रही है। तो चलिए हम इसकी प्लेटिंग करके आपको फिर से दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया आलू का लच्छेदार पकौड़ा बनाना कितना आसान है। इसे हमने तो बना लिया, आप भी अपने किचन में जरूर ट्राई कीजिए और चटनी के साथ, मिर्च के साथ, जैसे आपको अच्छा लगे एंजॉय कीजिए। और प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।